ज्ञान वाणी। पीठ हमेशा हमें मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। और बहुत ही सुंदर पंक्ति बताने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि अगर आप चाहते तो राम का वेश बनाकर सीता को बड़ी आसानी से ला सकते थे, पर आपने साधु का ही वेश क्यों लिया? तो रावण बोलता है कि जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी थी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया और साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। और जो लोग अस्वच्छ कपड़े पहनते हैं, जिसके दांत साफ नहीं रहते, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है। आप दौलत, मित्र, पत्नी और राज्य गंवाकर वापस पा सकते हैं, लेकिन यदि आप अपनी काया गंवा देते हो तो वापस कभी नहीं मिलेगी। और जो व्यक्ति राजा से, अग्नि से, धर्मगुरु से और स्त्री से बहुत परिचय बढ़ाता है वह विनाश को प्राप्त होता है। और एक पिता अपनी मौत से कभी नहीं डरता, उसको हमेशा यही फिक्र रहती है कि उनके न रहने पर उसके बच्चों का क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे ऐसी वीडियो अपने चैनल पर रोजाना ला रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी अगली वीडियो देखने के लिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे लड़की कर सकती है और लड़का नहीं कर सकता? इसका उत्तर है बच्चा पैदा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे चैनल की वीडियो देखी। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो में।